अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मारिया खान है और मैं ब्रांड एम्बेसडर हूँ amana.com की। और आज हम जिस प्रोजेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है Lakevista Heights। लेकिन इससे पहले कि मैं Lakevista के इंट्रोडक्शन और डिटेल्स में जाऊँ, मैं चाहूँगी कि आप लोग इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब आते हैं Lakevista के इंट्रोडक्शन की तरफ। Lakevista Heights बेसिकली बहरिया टाउन रावलपिंडी में लोकेटेड है। ये एक लग्जरियस रेजिडेंशियल कमर्शियल प्रोजेक्ट है। यहाँ पर अपार्टमेंट्स हैं, कॉर्पोरेट ऑफिसेज हैं, शॉप्स मौजूद हैं और ये एक बेहतरीन लोकेशन पर मौजूद है। यहाँ पर तमाम उसकी सराउंडिंग में वो फैसिलिटीज़ मौजूद हैं जो कि रेजिडेंट्स और बिजनेस ओनर्स के लिए ज़रूरी हैं, उनको चाहिए होती हैं। इसको डिज़ाइन ही इस तरीके से किया गया है कि यहाँ पर बिजनेस ओनर्स और शॉपकीपर्स और वो तमाम ब्रांड्स जो अपने ऑफिसेज अपने बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं उनके लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है अपने ऑफिसेज और अपने शॉप्स वहाँ पर ब्रांड्स लॉन्च करने के लिए। और उसके अलावा इसकी सराउंडिंग में स्कूल्स मौजूद हैं, हॉस्पिटल्स मौजूद हैं, तमाम वो चीज़ें ज़रूरत ज़िंदगी की मौजूद हैं जिनकी ज़रूरत होती है। तो ये एक बेहतरीन प्रोजेक्ट है। और उसके अलावा इसके कंस्ट्रक्शन के लिए, इसके इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके डिज़ाइन में तमाम वो चीज़ें यूज़ की गई हैं जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के ऊपर पूरा उतरती हैं। इसके कंस्ट्रक्शन मटेरियल बहुत ही हाई क्वालिटी है और उसके अलावा इसके अंदर वो तमाम सहूलियात मौजूद हैं जो कि एक लग्जरियस प्रोजेक्ट में होनी चाहिए। तो ये उन लोगों के लिए जो कि इन्वेस्ट करना चाहते हैं रहने के लिए और अपने बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, और उसके अलावा जो अपने नए ब्रांड्स लॉन्च करना चाहते हैं, नए ऑफिसेज खोलना चाहते हैं और अपने ऑफिसेज अपने बिजनेसेस की डिफरेंट ब्रांचेस खोलना चाहते हैं, उन लोगों के लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है क्योंकि ये एक बेहतरीन लोकेशन पर वाकई है। और इसके पास, इसके साथ ही इस्लामाबाद, रावलपिंडी तमाम जो रोड्स हैं उसके साथ कनेक्टेड हैं, तो ये एक बेहतरीन लोकेशन पर मौजूद है। अब आते हैं Lakevista Heights के फ्लोर प्लान की तरफ। Lakevista Heights बेसिकली ग्राउंड प्लस 7 फ्लोर्स पे बेस्ड है। इसके लोअर ग्राउंड और ग्राउंड फ्लोर जो है वो रिजर्व्ड हैं शॉप्स और कॉर्पोरेट ऑफिसेज के लिए, और ये उन लोगों के लिए बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है जो अपने बिजनेसेस वहाँ स्टार्ट करना चाहते हैं और अपने ऑफिसेज अपने वहाँ पर बनाना चाहते हैं और डिफरेंट ब्रांड्स जो अपने शॉप्स वहाँ पर खोलना चाहते हैं उनके लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टमेंट के लिए क्योंकि ये एक बेहतरीन लोकेशन है। और उसके अलावा सेकेंड फ्लोर से लेकर 7th फ्लोर तक के जो फ्लोर्स हैं वो रिजर्व हैं अपार्टमेंट्स के लिए। वहाँ पर स्टूडियो अपार्टमेंट्स, 1, 2, 3 बेड अपार्टमेंट्स की भी ऑप्शन मौजूद है और उन लोगों के लिए बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है जो चाहते हैं कि जिनका बिजनेस उसी प्लाजा में हो लेकिन वो उसी के क्लोज प्रॉक्सिमिटी में रहते हों, उन लोगों के लिए बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। और उसके अलावा इसको बहुत ही एलिगेंटली और लग्जरियस वे में तैयार किया गया है, तो ये एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए जो एक ऐसी जगह पर रहना चाहते हैं जहाँ पर उनके बिजनेसेस करीब हों, उनके पास तमाम सहूलियात मैसर हों और उसके अलावा फैमिली भी उनके पास हो, तो उन लोगों के लिए ये एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अब Lakevista Heights की लोकेशन के बारे में बात करते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि ये फेज़ 8 में एक बेहतरीन लोकेशन पे मौजूद है। ये ब्लॉक M में है और इसके अलावा फ्यूचर वर्ल्ड स्कूल से 2 मिनट्स की दूरी पर है। अब आते हैं Lakevista Heights की फैसिलिटीज़ की तरफ जो कि प्रोवाइड की जा रही हैं। सबसे पहले तो Lakevista Heights की जो लोकेशन है वो ही बहुत बेहतरीन है। उसकी सराउंडिंग में स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, कॉलेजेस, पार्क्स, रेस्टोरेंट्स, हर चीज़ ऑलरेडी मौजूद है। और उसके अलावा वहाँ पर सिक्योरिटी का भी कोई इशू नहीं है क्योंकि वो वहाँ पर 24/7 CCTV कैमराज और सिक्योरिटी की सहूलत मौजूद है। उसके अलावा उसकी सराउंडिंग में तमाम ज़रूरत ज़िंदगी की सहूलियात मौजूद है क्योंकि ये एक बेहतरीन मेन लोकेशन के ऊपर वाक़ है। अब Lakevista Heights के डेवलपर्स के बारे में बात करते हैं। तो Lakevista Heights के जो डेवलपर्स हैं वो हैं ZEM Builders, और ZEM Builders ऑलरेडी काफ़ी जाने माने बिल्डर्स हैं क्योंकि वो पहले भी अपना एक प्रोजेक्ट जो है ZEM Heights के नाम से मौजूद है बहरिया टाउन में, उसको उन्होंने विद इन टाइम, इनफैक्ट बिफोर टाइम डिलीवर कर दिया था, जिसकी वजह से उनको मलिक रियाज की तरफ से जो है लेटर ऑफ एक्नॉलेजमेंट भी दिया गया था। तो वो एक कम्प्लीटली क्रेडिबल बिल्डर्स हैं। उसके अलावा भी इनके कई प्रोजेक्ट्स हैं जैसे कि ZEM Heights के नाम से हैं, लिबर्टी टावर के नाम से हैं, ZEMARC के नाम से हैं, तो ये कम्प्लीटली ट्रस्टवर्दी और क्रेडिबल बिल्डर्स हैं। और अब NOC और लीगैलिटीज़ के बारे में बात करते हैं Lakevista की। तो Lakevista जो है बेसिकली एक लीगल प्रोजेक्ट है चूँकि ये बहरिया टाउन में लोकेटेड है और उनके पास परमिशन है बिल्ड करने की, और ये एक कम्प्लीटली सेफ इन्वेस्टमेंट और लीगल प्रोजेक्ट है। अब बात करते हैं Lakevista Heights की प्राइस प्लान के बारे में। इनकी बुकिंग स्टार्ट हो जाती है 25% से और जो इनका हर शॉप पर ऑफिस एंड पर अपार्टमेंट रेट्स हैं वो आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। अब Lakevista Heights के डेवलपमेंट स्टेटस के बारे में बात करते हैं। तो Lakevista Heights का ग्रिड स्ट्रक्चर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है और उम्मीद है कि ये विद इन टाइम बल्कि बिफोर टाइम अपने इस प्रोजेक्ट को डिलीवर कर देंगे। अब बुकिंग प्रोसीजर की तरफ आते हुए, इनका बुकिंग प्रोसीजर बहुत सिंपल है। बुकिंग प्रोसीजर के लिए चाहिए होंगी 2 CNIC कॉपीज़ मेन एप्लीकेंट की और 2 पासपोर्ट साइज इमेजेस मेन एप्लीकेंट की, और उसके अलावा चाहिए होंगी 2 CNIC कॉपीज़ नॉमिनी की और 2 पासपोर्ट साइज पिक्चर्स
नॉमिनी की। अब इस वीडियो को एंड करते हुए मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको वो तमाम इन्फॉर्मेशन जो आपको लेकविस्टा हाइट्स से रिलेटेड चाहिए होगी वो आपको मिल चुकी होगी, और इसके अलावा फर्दर अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो, आप इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड कुछ जानना चाहते हो, तो स्क्रीन पे जो नंबर्स चल रहे हैं आप वहाँ पर जब चाहे कॉल करके इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं, और उसके अलावा एक्सक्लूसिवली आप डिस्काउंट्स भी हासिल कर सकते हैं amana.com के थ्रू। और मज़ीद इस तरह की वीडियोस, मज़ीद इस तरह का कॉन्टेंट देखने के लिए हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और नेक्स्ट टाइम मैं आऊँगी एक नई वीडियो और एक नए प्रोजेक्ट के साथ, और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। amanat.com, पाकिस्तान फर्स्ट इन्वेस्टमेंट पोर्टल, मशवरा अमानत है।